आज का दिन नहीं मनूस है कसम से। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे ना अपना रोना आ रहा है सच में। तो यहाँ देखो ये अभी 8:15 हो रहे और हो रहा देखो इधर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और 8:15 हो रहे हैं ना अभी। मैं ना एकदम से दरवाज़ा खोला बाहर बालकनी का और मैंने बाहर का व्यू देखा, मैंने कहा बाप रे। और गलती से अगर ना जब आपने पानी लगाया हो नहाने के लिए और बाहर का मौसम देख लो उसके बाद नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। बट ये कि हमने दरवाज़ा नहीं खोला था तो नहा गई मैं। इसको देख के ऐसा लग रहा है ओ बाप रे बाप, इतनी ठंड में कौन नहाएगा। वैसे ठंड है लेकिन मैं नहा गई तो अभी थोड़ा सा ठीक है। जनाब के लिए पानी लगाया हुआ है, वो नहाएंगे जब पानी गर्म होगा, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और आज तो यही उम्मीद करूँगी कि मैं हम लेट ना हो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकल जाए। अभी तो मैं जाके बिस्तर में बैठने वाली हूँ जब तक जनाब नहाते रहिए। मेरी टी शर्ट मतली हुई हूँ बट मैं आपको स्पेशली बाहर का व्यू दिखाने के लिए लाई थी। अच्छा व्यू है वैसे, पूरा कोर ऐसे कवर अप है, अच्छा लगता है ऐसा। लेकिन ठंड ना हो अगर तब। चलो तो मैं निकल गई हूँ तैयार होके रूम से। तो जनाब अभी नहीं जा रहे क्योंकि उनका भी डिसाइडेड नहीं कि हॉस्पिटल जाएंगे कि ऑफिस जाएंगे डायरेक्ट। तो बोलते मैं थोड़ी देर में ही निकलूँगा, मैंने कहा ठीक है तो मैं निकलती हूँ फटाफट से ताकि मैं लेट ना हो और आज मैं प्रॉपर टाइम पे निकली हूँ तो आज मैं लेट नहीं होंगी। तो चलो जल्दी जल्दी भाई धुन कि ऑटो का वेट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। दोहरा देखो कैसे है, कितनी देर ऑटो का वेट करना ना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है इस टाइम पे क्योंकि सब ऑफिस ले जा रहे होते तो फुल्ली आते। तो मैंने कहा पैदल ही चलते क्या वेट करूँ, पहले सोचा था वेट करती हूँ बट मेरे पास टाइम है तो मैं पैदल चले जाऊँगी। ऑलमोस्ट 11 से 13 मिनट लगते बाहर पहुँचने के लिए, कितनी देर में पहुँच ही जाऊँगी। अगर मिल गया तो ठीक है बट। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, वैसे मेरे को ऑटो मिल गया था, मैंने सोचा था मैं पैदल ही जाऊँगी बट ऑटो खाली था तो मैंने कहा चल पड़ो। और अभी मेरे पास 10 मिनट है बस का वेट करने के लिए आराम से। भाई ठंड यार इतनी तकड़े वाली, आज तो ना ऐसा लग रहा है ग्लव्स पहन के आ रहे चाहिए थे, फेस भी ठंडा हो गया हाथ भी ठंडे हो गए। तो कोई नहीं, तो मैं बस से उतर चुकी हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, जितना मर्जी जल्दी आ जाओ ना रूम से लेट हो ही जाते हैं क्योंकि जाम में फंस जाते हैं ना तो उस वजह से लेट हो जाते हैं। तो आज भी मैं इतनी जल्दी निकल गई लेकिन 10 तो बज ही गए बट कोई नहीं। वैसे तो 10:15 से शुरू होती है क्लास जो एक्चुअल टाइम है, लेकिन सर जल्दी आ जाते हैं और बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि लेट है। कोई नहीं आराम से चलो और क्लास पहुँचो, फिर मिलते हैं दिन को आफ्टर क्लास। आज हमारे साथ नया चेहरा है, नया चेहरा नया चेहरा तो नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा बीमार था एक्चुअली, है तो पुराना वाला चेहरा है। इतनी ड्रिप पे लगी है मुझे अब खूबसूरत होगी इतनी ड्रिप पे लगवा के, हो ब्यूटी इंटेलिजेंट भी होगी यार। हाँ घर में रह रहा बहुत तेज होगी, तेज होगी फास्ट होगी, पता नहीं उन्होंने ड्रिप में क्या मिला के लाया होगा। इसके मैंने पैसे दिए पहले ये अपनी हमसे ज्यादा है ऊपर के, मैं कह रही हूं ऊपर हो गई यार, पैसे दिए मैंने बोलने के। ये देख हमारी क्लास खत्म हो गया, हम लोग आज फिर से जा रहे हैं वहीं पर जहाँ कल गए थे। अच्छा तुम पहले हमारे अड्डे में उसको लेके पहले तो हाँ कल गए। चलो
ज्यादा तो हमने खाया पिया और खूब सारी गप्पे मारी। फिर मैंने कहा चलते अब रूम को। ऐसे इतनी ठंड में ना दिल करता है कि भाई कुछ गर्मा गर्म खाया जाए, और इस टाइम के लिए भूख भी लग जाती है। तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, कभी कभी मैं नहीं खाती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, बट अभी 2 दिन से लेकर बाहर का ही चला हुआ है। चलो कभी कभी चलता है। और अब करते हैं यहाँ पर बस का वेट। बस आएगी फिर निकलेंगे रूम। अच्छा आज मैं अपना दुपट्टा बोल रही हूँ यार, वो लेके जाऊंगी, बाजू का कपड़ा है जो, क्योंकि पिछले कल तो मैं आई नहीं थी मार्केट। मैंने कहा यार कौन जाएगा अभी इसके ठंड से बाहर, आज जाते जाते ले लूँगी। ये देखो चीज़ें बस आ चुकी है, धूप निकल गई। तो मैं पहुंच चुकी हूँ रूम, और मैं इतनी पागल हूँ ना यार, मैं ना फ्रूट्स लिए और मैं ना सीधी सीधी चलती रही, और मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा भाई वो भी लेके आना। फिर मैं आधे रास्ते से वापस मुड़ी, मैंने कहा यार वो तो भूलेगी। फिर मैं लेके आई हूँ वो कपड़ा, और अभी जैसे कि मैं रूम पहुँची हूँ, अभी सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ खीर, क्योंकि कल भी मैं ऐसे रह गई थी, कल भी नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने पहले सोचा कि सबसे पहले आके अभी खीर बनाऊँगी। अगर वो सही बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर देखी जाएगी जो भी बनेगा उसका। और फिर उसके बाद आज मैं ये बाजू अटैच कर दूंगी, आज मैं कुर्ती तैयार कर दूंगी, और जो टॉप बनाया वो भी देखती हूँ बनता है सही कि नहीं बनता है, वो अलग बात है, बट उसको मैं कंप्लीट ज़रूर कर दूंगी। और शाम को कोई हमारे गेस्ट आने वाला है, तो गेस्ट करो आप लोग कौन आ रहा है। बाकी तो आपको जब आप पूरा व्लॉग देखोगे तब पता लग ही जाएगा कि कौन आया है। और चलो तब तक मैं ये सारा काम निपटाती हूँ, फिर मिलते हैं। जैसे ही मैं बनाने लगी ना, यहाँ पर इतने गंदे वाला स्पार्क हुआ है ना, अभी भगवान धुआं दिख रहा होगा, ये जो धुआं निकल रहा है वहां से, पता नहीं कैसे स्पार्क हुआ। मैंने तो कुछ छेड़ा भी नहीं, बल्कि मैं तो इधर इसको धोने लगी हुई थी। उफ, करो मज़े। तो इसके अंदर कहीं स्पार्क हो गया, और ये तो हमारे बस का है अभी नहीं ठीक करना, अब इसे ठीक करवाने के लिए देना पड़ेगा यार। मैं ना मोस्टली खाना इंडक्शन पे ही बनाती थी, बट जैसा तो अभी स्पार्क क्या, एक पटाखा में जब टक, एक छोटा बम नहीं फटता है वैसा टाइप का। शुक्र मनाओ मैं थोड़ी सी दूर थी, वैसे ही कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ ये। मुझे तो ना समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है आजकल, काफ़ी टाइम से लेकर ना कुछ अजीब ही चला हुआ है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। चलो ये तो है कि हमारे पास गैस सिलेंडर है, ऐसा नहीं है कि गैस सिलेंडर नहीं है, बस ये मैं कम यूज़ करती थी, मैं सिर्फ चपाती हूँ और मोस्टली जब कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है तब। चलो अब तो गैस पे ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने शकरकंद की खीर बना दी है। किस किस ने पहले खाई है कभी या फिर सुना है इसके बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ ये। तो मैंने पता क्या किया, पहले मैंने अपने तरीके से किया इसको, पहले थोड़ा सा पानी में बॉयल किया, फिर उसका जो पानी है वो सारा निकाल के साइड में डाल दिया, और फिर उसमें ऐड कर दिया दूध और चीनी, बाद में ऐड करेंगे। गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मैं सोच तो रही हूँ कि गुड़ ऐड करूँ, बट फिर मेरे को लग रहा है क्या करूँ, कन्फ्यूजन ही अभी समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा करूँगी कि आधे में गुड़ डाल दूँगी, आधे में चीनी डालूँगी, देखते ज़रा कौन सी अच्छी बनती है, या फिर सब में ये कर दूँगी ऐड, देखते हैं। बाकी जल्दी पक जाते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये पकने में। इधर हमारा बॉयल आ गया है, 2-4 बॉयल आने दूंगी मैं इसमें, फिर इसमें चीनी डाल के मिलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर हमारी खीर बनके तैयार है। फिर जब शाम को वो लोग खाएंगे तब पता लगेगा कि कैसी बनी है, पसंद भी आती है कि नहीं आती है। मैंने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, बट आनी चाहिए यार पसंद। खीर बन के तैयार है, और अब कहते हैं हम अपना दूसरा काम, सिलने का काम करने वाली हूँ मैं अब तुरंत ही, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि बिस्तर में बैठ के ना फिर आलस आ जाता है, इसलिए पहले मैं वो काम करती हूँ, फिर अपना दूसरा काम आराम से करूँगी।
अरे यार आज कुछ अजीब ही हुए जा रहा है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। पहले उधर स्पार्क हुआ और अभी मैंने फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया, यहाँ पे स्पार्क हुआ। मतलब क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। अब देखना पड़ेगा, लाइट तो है, लाइट नहीं गई है, बट ये स्पार्क क्यों हुए जा रहे। दो डाउन हुए। डाउन तो हुए लेकिन गया वो वाला पोर्शन। हाँ यार, ये स्पार्क क्यों हुआ? जल गया, जल तो गया, लेकिन पता है इतनी दूर से यहाँ से यहाँ पे आप आवाज आई टप। इतना मेरे को लगे था पता कि बाहर से डाउन हुआ, बल्कि मैंने कोई भी पॉइंट्स नहीं लगाए हुए, सब बंद कर दिए, फिर भी पता नहीं किस चीज का लोड है। चलो अभी मैं कुछ लिख रही थी, जो मतलब कि जो मेरा आज का खर्चा है, क्योंकि मेरा डेली का रहता है, जो भी मैं खर्चती हूँ वो मैं लिखती हूँ। और सबसे पहला काम यही, सबसे पहला नहीं, सबसे पहला काम तो किचन का होता है, फिर ये काम होता है, फिर अब अंदर रूम में जाके दूसरा काम करूँगी। तो मैं यही काम करने लगी हुई थी और एकदम से यहाँ पे स्पार्क हुआ, क्योंकि मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, तो मेरे को डर लगा, मैंने कहा गया फ़ोन, बट बच गया। आज का दिन नहीं मनुष्य है, कसम से मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त। मैं अंदर वाले रूम में काम करने गई, अंदर रिंग लाइट खराब हो गई। आज ना मतलब ना आधे घंटे के अंदर अंदर ना मेरा तीन नुकसान हो गया, एक इंडक्शन गया, एक मेरा चार्जर गया, तीसरा मेरा रिंग लाइट गया। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है कसम से, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। अब मेरे को क्या बोलूं मैं यार, मुझे ना अपना रोना आ रहा है सच में। मेरा फोन का स्टोरेज फुल हो गया, मेरा चार्जर गया, मेरा इंडक्शन गया, मेरी रिंग लाइट गई। और अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस मेरे को इतना पता लग गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तो मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। तो अब मैं रूम से निकल रही हूँ और मेरे हस्बैंड वो भी आ रहे, बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाना है। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। रूम पे बैठ के मैं वैसे भी अब दिमाग ख़राब ही होने से चाह, बाहर जाते हैं थोड़ी सी फ्रेश एयर लेते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कारनामे है ये, फिर वही देखेंगे आके। अब चार्जर तो ख़राब ही हो गया मेरा है, लेकिन हमारे पास दूसरा चार्जर है। चलो अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन में बैटरी 9% 8% बैटरी है, तो फटाफट से उनको जाके मिलती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं निकल गया ऑफिस से, डायरेक्ट वहीं मिलूँगा पुलिस स्टेशन को जहाँ से जाता है। मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ, तो मैं वहाँ तक चलती हूँ फटाफट से, फिर उनसे मिलते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और पुलिस स्टेशन वाली एंड में दिख रहे ना दुकान में वहाँ पर, और वो भी पहुँची रहे गुरुद्वारे के पास, पहुँचे बोलते मैं आया। मैंने कहा ठीक है, वो देखो वो आ गए, जनाब मिल गए और हम लोग चले गए। तो हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं, और लेकिन काम नहीं हुआ, क्योंकि जो पुलिस है जिन्होंने वो काम करना था वो है नहीं यहाँ पर, तो कल ही बोला है शाम को आने को। तो चलो अब रूम को चलते हैं। तो हम लोगों ने हीटर ले लिया है और साथ में वो भी लिया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ गया होगा बोर्ड। तो हम लोग रूम पहुंच चुके हैं और क्या क्या खराब किया है? मैंने नहीं खराब किया, वो खुद खराब हुआ है। ठीक है, और देखो गाइस चलते चलते सामान का है वो खराब हो जाते हैं, वो चलते चलते नहीं चलाते चलाते चलते चलते हाँ चलाते चलाया था मैंने, सिर्फ वो खुद ही खराब हो गया, मेरी क्या गलती है इसमें। और मेरे को पता है इंडक्शन भी ठीक करवाने को देना पड़ेगा, जो खराब है
जो पटाखा हुआ कौन सा वो तो चल पॉइंट तो चल रहा है, ये चीजें गई। हाँ देखो ये गया और रिंग लाइट गई, उधर इंडक्शन गया और इधर स्पेस भी नहीं है चार्जिंग के लिए, तभी हम लोगों लेके आए हुए। पॉइंट खराब नहीं है, लाइट तो चल रही है वहाँ की, सिर्फ वो हुआ है पटाखा इंडक्शन नहीं ऑन तो करो। ये देखो पॉइंट चल रहा है, नीचे इंडक्शन में हुआ है, पीछे पटाखा। रिंग लाइट भी खराब है, वो ऑन नहीं है उधर से। पॉइंट तो चल रहा है, पटाखा रिंग लाइट में हुआ है। रिंग लाइट का हुआ है, पता नहीं इसमें हुआ होना कि इसमें हुआ है, क्योंकि मैं एकदम से बाहर को निकली रूम से फोन लाने और तब तक टक। अब ये रिंग लाइट ठीक करते हैं, देखते हैं होती है ठीक कि नहीं होती है। अभी इसमें फिर से ओह शिट, बंद बंद कर रही हूँ मैं इसको। तीसरी बार ये पटाखा हो गया यहाँ पे, रहने दो छोड़ दो रहने दो। तो हम लोग अभी बाहर गए थे ये ठीक करवाने, हो गए ठीक। बाहर गए थे क्या बोलते हैं, अभी से ये एक्सटेंशन बोर्ड ठीक हो गया और रिंग लाइट भी ठीक हो गई है हमारी, और फ्यूज उड़े थे इसके, और क्या बोलते हैं शायद ना वोल्टेज बढ़ गई थी दिन को, पता नहीं तभी करके वो आए, बट चलो जो भी था हो गया। और अब इसके बाद मैं अपना काम करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 हो रहा है आई थिंक। अब मैं काम करती हूँ फटाफट से और फिर डिनर भी बनाना है। तो अभी मैं व्लॉग को एंड नहीं करूँगी, बट इसके बाद मैं कुछ दिखाऊंगी नहीं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, और जिसने आना है वो तब शूट करूँगी जब वो पहुँच जाएंगे यहाँ पे, तब मिलते हैं आपसे। अब फिलहाल हम अपना काम करते हैं, बाहर ठंड है यार बहुत ज़्यादा। मैं आई हूँ अभी नीचे, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करने, मुझे कॉल किया कि मैं पहुँच गई हूँ आ जाओ नीचे, मैंने कहा ठीक है आई, चलो दिखाती हूँ मैं कौन आ रहा है, क्यों इतना सस्पेंस बनाऊंगा अब मैं ना। लो दिख रही है, नहीं दिख रही, किसी को पता लगा। ये देखो काजल आ रही थी, काजल नमस्ते, आ जाओ पकड़ा दे इसको रे। हाँ मैं अपने दुखड़े नहीं सुना सकती, मेरे साथ दुख होगा। क्या क्या बोलते, पता नहीं क्या हो गया, मैंने करी थी कैब जितने मैं बुक ना उससे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, 100-150 रुपए ज्यादा लगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है उसका, पता है नेक्स्ट टाइम से याद रखना, क्योंकि पहले ही बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए, ये चीज़ होती है और ये मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ हुई है। अब ये स्कैम समझो, चल रुक जा सामान लेना मेरे को। गाइस काजल आ चुकी है और यही सरप्राइज था, काजल आ रही है और अब मैं फटाफट से इन लोगों को डिनर देती हूँ, मतलब हम तीनों डिनर करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वो भी अंदर अपना ब्लॉग दे रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।